दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए ट्वेंटी एट ऑफ अप्रैल दो आज लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग ऑन तो जरूर देखेंगे। इसके अंदर मैंने चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करूँगा। फाइनली बाय सेल लेवल्स देख के, वो दो तीन बाय सेल लेवल्स देख के मैंने एनालिसिस करने का कोशिश करूँगा कि इसका डायरेक्शन और मूवमेंट, इसका पाथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन का कौन सा पाथ में हो सकता है, तो एनालिसिस करने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग ऑन तो जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब एंड कीजिए, और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिए, लाइक करने का नहीं भूलिए, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे। और इसका रेगुलर मैंने बाई सेल लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देता हूँ, बहुत सारा बाई सेल लेवल्स देता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन, 100 EMA स्ट्रेटेजी, इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इनसाइड द बार 100 EMA स्ट्रेटेजी, कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन और दिखाता हूँ, बाई सेल लेवल्स दिखाता हूँ, देखने के लिए मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो वीडियो वो भी आप लोग को वो उसमें आप लोग नेक्स्ट डे में सकता है ट्रेड कर सकता है। आज तक रेंज में है और मार्केट ओपन होने के बाद जब उसका बाई उसमें आप लोग ट्रेड का मेरा पिछले वाला जो 2 डेज परफॉर्मेंस वाला वीडियोस वो देखिए, तो आप लोग को पता चल जाएगा। और यह परफॉर्मेंस या 2 डेज परफॉर्मेंस वाला वीडियोस जो मैंने बनाया है बहुत सारा, तो वो आप लोग को आ जाएगा, तो वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें आप लोग को फ्री में आप लोग को बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा और आप लोग उसमें काम कर सकता है। और उसमें आप लोग काम कर सकता है और बहुत सारा मैंने लाइव डेमो ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी का डेमो ऑफ बाई सेल लेवल्स दिखाता हूँ, बाई सेल लेवल्स एंड चार्ट एंड बाई सेल लेवल्स मैंने आप लोगों का है, मैंने आप लोगों के सामने लाइव डेमो दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, इक्विटी फ्यूचर्स पेयर ट्रेडिंग आर्बिट्रेज भी दिखाने का कोशिश करता हूँ, सभी समय टाइम नहीं मिलता है तो, और लेवल्स भी नहीं आता है उस टाइम, मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोग को बाई सेल लेवल्स दे देता हूँ, तो आप लोग बाद में भी चेक कर सकता है। तो उसमें आप लोग को एक्यूरेसी कितना होता है, कितना कैसे मैच कर सकता है, मैंने बहुत दिन से दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकता है। तो इसका इसका हिसाब से आप लोग मेरा ट्रेनिंग ले सकता है और मेरा कॉल सर्विस या अकाउंटिंग सर्विस आप लोग अडॉप्ट कर सकता है। और मेरा सलाह यह है कि आप लोग जरूर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, इसमें आप लोग को खुद सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग, यू नो और एवरीवन, तो आप लोग सीख जाएंगे तो इसका जितना आदमी जितना सीखेंगे तो इसका ट्रेनिंग प्रोफेशनल का इम्प्रूवमेंट आएगा। तो एनीवे तो और बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप लोग को ट्रेडिंग में इम्प्रूव करेगा। और मैं जो आप लोग जो ये जो ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग को ट्रेनिंग में बदलाव जरूर आएगा, बहुत सारा लोग जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोग को तो ज़रूरत है ही, क्योंकि इसमें जो टाइम एंड एफर्ट देना पड़ता है तो सीखने के लिए, तो जो लोग सीख के मतलब उसके बाद सीख के रिसर्च एनालिसिस या ट्रेडिंग का काम कर रहा है, वो लोग को पता है कितना टाइम एंड एफर्ट देना पड़ता है। तो आप लोग जो इसमें बहुत कम टाइम में और कम कीमत में आप लोग को मिल जाएगा, तो इसमें आप लोग को ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है मेरा चैनल पे, जो आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा, और इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो इसमें आप लोग को फ़ायदा होगा। और जो बाई सेल लेवल कम स्क्रीनर बना है, इसमें क्या क्या है और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है, और इसका वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए, इसमें बहुत सारा चीज़ है, इसीलिए मैंने अलग से वीडियोस बनाया है, इसमें कैसे क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है,
तो वो वीडियोज़ भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिए, तो ताकि आप लोग को बाइसेल लेवल, जब मैंने बाइसेल लेवल वीडियो का दूंगा तो उसमें आप लोग को समझने के लिए सुविधा हो जाएगा, ट्रेड लेने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए सुविधा हो जाएगा। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकता है, मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है कोई भी सेगमेंट में। मैंने आप लोग को एक दिन के लिए लाइव डेमो दिखा दूंगा कैसे वाइसल लेवल काम कर सकता है मेरा। आप लोग खुद मेरा लाइव डेमो जो वीडियोस बनाता हूँ वो आप लोग देख सकता है। तो चलिए शुरू करता है। देखिए मैंने निफ्टी का जो चार्ट ओपन किया हूँ और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी आप लोग देख सकता है। एक मिनट, मैंने इस तरह से भी आप लोग को दिखा देता हूँ, तो इसमें क्या क्या है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग धीरज रख के अंत तक जरूर देखिए। मैंने आप लोग को पिछले वाला निफ्टी बैंक निफ्टी वीडियोस भी आप लोग देखिए, मैंने बहुत सारा चीज़ डिस्कस करता हूँ, तो ये भी आप लोगों को जानकारी लेने का ज़रूरी है, तो इसमें आप लोग को फ़ायदा होगा। हाँ ज़रूर मेरा फ़ायदा है, लेकिन आप लोग का फ़ायदा 100 गुना ज़्यादा है। किसी का फ़ायदा नहीं होगा तो मैंने गारंटी दे सकता हूँ आप लोग को फ़ायदा ही है। ओके, तो आप लोग देख लिया इसमें कैसे गया है। और आप लोग जो लोग बिगिनर्स है उसको तो उन लोग को तो लेना ही चाहिए, और जो लोग मतलब दूसरा ट्रेड सेटअप है तो वो चाहिए। देखिए इनका लेना चाहिए, देखिए इनका लेना चाहिए। देखिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन कुछ सब कुछ क्या है, ये तो वाइसल लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनना है, ये प्राइस एक्शन से बनता है ना। ये गान फिबोनाची वोलेटिलिटी ये सब क्या क्या है, इसमें तो प्राइस एक्शन से ही सब तो सब बनता है ना। तो आप लोग को जो लोग एक्सपीरियंस्ड है उन लोग को भी ये सब ट्रेनिंग लेके आप लोग को ट्रेनिंग में बहुत ही बदलाव आएगा आप लोगों को ट्रेनिंग का। हाँ आप लोग अपना खुद स्ट्रैटेजी नहीं बदलाइए, लेकिन इसमें जो इसमें जब आप लोग को जानकारी आएगा ट्रेनिंग में आप लोग को बदलाव जरूर आएगा, इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। एनीवे तो मैंने देखिए आज का जो ये जो निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, तो देखिए आज का कैंडल को मैंने पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर लाइक कैंडल है, इसका वेरी लॉन्ग टेल है अप साइड में, तो इंडिकेट कर रहा है ये ऊपर जाने का कोशिश किया था, ठीक है ऊपर जाने का कोशिश किया था, लेकिन सेलिंग प्रेशर आके इसमें ओपन हुआ था कुछ एक मिनट इसको थोड़ा सा हटाता। हाँ इसमें ओपन हुआ था 9-5 एनी 9-5 में ये ओपन हुआ था, ठीक है इधर आप लोग देख सकता है। ये है एक आप लोग का मतलब क्या बोलता है बियरिश कैंडल सॉरी बुलिश कैंडल है, तो इसमें आप लोग का नीचे ओपन दिखाएगा और इसमें क्लोजिंग दिखाएगा आप लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए इसका ओपन हुआ था 9-9 के आसपास, 9-9 में ओपन हुआ था, इसके बाद ये हाई गया था, इसमें हाई गया था, इसमें हाई गया था 9377, उसके बाद देखिए फिर से प्रेशर आके एकदम 9250 इसका लो बना था, फिर से ये ऊपर होने का बीच में कोशिश किया था। इसमें डेली कैंडल में पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर से इसका फेलिंग प्रेशर आके इसका नीचे लेकर आया। इसके कैंडलस्टिक का चार्ट का सिग्निफिकेंस ये है, ये दर्शाता है कि ये बियरिश पावर बहुत ज़्यादा है, बुलिश पावर तो है लेकिन बियरिश पावर भी बहुत ही ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर बहुत है इसमें। तो ये इसका कैंडल को दबा के ये समहाउ इट हैज जस्ट मैनेज टू क्लोज बुलिश, बट इट हैज वेरी बियरिश आर वेरी एक्टिव, बियर्स आर वेरी एक्टिव इन द मार्केट। एनीवे तो इसमें मैंने आप लोग को पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना चाहता हूँ। हाँ पहले ट्रेंड बताता हूँ, ट्रेंड में जो देखिए इसमें अप ट्रेंड दिखा रहा है, ये जो चैनल दिख रहा है अप ट्रेंड दिख रहा है, इसमें जो इंडिकेटर्स वगैरह जो है ये अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है इसका
ये इसमें जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो इसका मैंने नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बताना दिखाऊंगा आप लोग को। इसमें देखिए इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इमीडिएट रेजिस्टेंस है 9303, इसमें 9302, 9203, 9203, 9203 के आसपास, उसके बाद 9353, ठीक है, उसमें आप लोग को मिलेगा। उसके बाद 9409, उसके बाद इधर फिगर भी दिखा था एनीवे, तो इसके बाद ये है 9443 के आसपास, उसके बाद ये 9480, उसके बाद 9517, उसके बाद फिर से 9560 ऐसे करके इसका ऊपर वाला ट्रेंड है, ठीक है। इसमें भी आप लोग को ये जो इंडिकेटर्स वगैरह लगा हुआ है इसमें भी आप लोग को सिखा दूंगा, लेकिन आप लोग तीनों इंडिकेटर मैंने इसमें मेरा स्ट्रैटेजी बना है आप लोग देख सकते हैं। इधर से आप लोग को दिखा देता हूँ, आपको एक ट्रेंड दिखाएगा लेकिन इसमें भी आप लोग टाइप करके आप लोग को नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, तो इसमें बहुत सारा लेवल मतलब इंडिकेटर्स लगा हुआ है मेरा स्ट्रैटेजी बना के, लेकिन ये भी आप लोग को सिखाया जाएगा, लेकिन आप लोग को तीनों इंडिकेटर्स मेन इंडिकेटर्स आप लोग को दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग फ्री में इसमें नहीं मिलेगा आप लोग को। आप लोग इसमें भी इसका प्लानिंग है, आप लोग प्रीमियम ले सकता है, प्रीमियम वाला वर्सन ले सकता है। और मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिंग व्यू के मैंने तो नहीं देखा है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, जितना सारा सॉफ्टवेयर हो जितना सारा जो कुछ भी हो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। आप लोग 2-3 हज़ार करके आप लोग ये इसको लेने से आप लोग को नुकसान नहीं होगा, ये मैंने 100% गारंटी दे सकता हूँ। तो उसमें भी आप लोग बहुत सारे इंडिकेटर, आप लोग 10 इंडिकेटर 7-8 इंडिकेटर लगा सकता है, जो मैंने मेरा स्ट्रैटेजी के अंदर आप लोग को दिया, मेरा माई स्ट्रैटेजी बना के मैंने कर लिया है। तो इसमें इतना सारा इंडिकेटर्स दिखा रहा है, तो इसमें हाँ तो जो बोल रहा था उसके बाद आप लोग को ट्रेंड तो दिखा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दिया, अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाने का कोशिश करता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेता हूँ, उसको छोटा कर लेता हूँ, इधर से आप लोग को क्लियरली सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड आप लोग को दिखाएगा, वैसे लेवल्स भी दिखा देगा। एनीवे तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा मैंने फिबोनाची टूल्स का इस्तेमाल करूँगा, फिबोनाची टूल्स को भी मैंने थोड़ा सा आप लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे नहीं आएगा, तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, मतलब इसमें पैरामीटर्स है थोड़ा, इसमें एडजस्ट किया मैंने, ये आप लोग देख सकते हैं इसमें अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में फिबोनाची एंड रिट्रेसमेंट आता है, और जितना सारा लेवल्स आता है आप लोग ड्रॉ करेंगे तो हाँ कोई लोग जान सकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं आएगा आप लोग को। इसको थोड़ा सा और भी खींच के नीचे लेना पड़ेगा, ऐसा देर हो सकता है दोस्तों, मैंने लेकिन मैंने डिटेल्स में सब कुछ बता के मैंने कोशिश करता हूँ आप लोगों को सामने एक व्यू देने के लिए। तो ये देखिए जो लॉन्ग टर्म में जो सपोर्ट रेजिस्ट मैंने तो सॉरी इसमें आप लोग को रेजिस्टेंस बताना भूल गया, मैंने इधर से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मैंने सॉरी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो बता दिया, सपोर्ट बताने का भूल गया मैंने। इधर सपोर्ट जो बनता है इधर सपोर्ट जो इधर है इधर 9253 में सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 9197, उसके बाद 9088, उसके बाद 8902, इसमें बीच में जो वाला जो सपोर्ट है ये सब अलग इंडिकेटर है, इसका अलग इंडिकेटर है, ठीक है। इधर आप लोग को इधर इधर से भी आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, वो आप लोग को लाइव मार्केट में जब चार्ट का सेटअप समझेगा, इतना तो मैंने एनालिसिस करने का टाइम समझाना नहीं सकता हूँ। तो इसमें आप लोग को बीच में बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिलेगा,
इसमें आप लोग को इसका ये 8942 तक सपोर्ट दिख रहा है, इधर 8820 का सपोर्ट है। 8800 एक अभी बहुत ही एक 9000 एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। उसके बाद 8800 तक आ सकता है, 8800 के बाद 8500 तक आ सकता है। और मेरा जो एजम्पशन है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने इसको मेरा एजम्पशन है, तो ये एक वेब में चल रहा है ऊपर 2008 से जो पांचों वेब में ऊपर गया था, उसके बाद इसका करेक्शन हुआ है 1। इसके बाद इसका वेब भी चल रहा है, ये ऊपर जाएगा उसके बाद थोड़ा सा फिर से, मतलब उसके बाद फिर से नीचे आने का चांसेस है, यही मेरा एजम्पशन है। हाँ, जो लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है 8563 का, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, और 9390 का इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद 9900 10550 का तक ऊपर दिख सकता है। इस यही मेरा एजम्पशन है कि इसका ऊपर नहीं जाएगा, उधर से फिर से मतलब ज़्यादा जाएगा तो जितना भी जा सकता है, ये 550-600 तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा जाएगा, लेकिन इस जितना तक तो जा सकता है। हाँ, अभी अप ट्रेंड में जरूर जाएगा, और इधर अभी गिरने का चांसेस ज़्यादा गिरने का चांसेस नहीं है। और इधर 8563 में इसका सपोर्ट है, और इधर 7511 बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद इसका जो बनेगा 6173 5474 या 5474 या 4470, ये तक इसका मेरा तो एजम्पशन है, ये इतना तक फिर से नीचे गिरने का चांसेस है। मैंने फंडामेंटल भी टेक्निकल भी एनालिसिस किया हूँ, टेक्निकल एनालिसिस से ही ज़्यादा बताता हूँ, और फंडामेंटल भी आप लोग भी सोच सकते हैं, मैंने भी डिस्कस किया हूँ फंडामेंटल रीजन, कोविड वायरस का जो इम्पैक्ट, लॉकडाउन का इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो भी वो मैंने बाद में डिस्कस मैंने अलग से डिस्कस किया, इससे अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। एनीवे, उसके बाद बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा मतलब टर्न खींच के थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, लेकिन इसके अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब अभी फ्री में मैंने किसी जगह नहीं देखा है। हो सकता है बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा आदमी बहुत खर्च करके सॉफ्टवेयर खरीदा है। मैं भी कुछ लोग को जानता हूँ, मेरा दोस्त जैसा है, उन लोग भी बहुत खर्चा करके मतलब हाँ वो भी अच्छा काम करता है ज़रूर, लेकिन इतना मतलब क्लैरिटी और इतना सारा स्ट्रैटेजीज, इतना इन्वेस्ट स्ट्रैटेजीज, इतना सारा इंडिकेटर्स मैंने तो कभी नहीं देखा, कहीं पर नहीं देखा। एनीवे, मैंने देख सकता हूँ, दूसरा देख सकता है। एनीवे, इधर जो क्या बोलता है, बैंक निफ्टी का जो चार्ट बना है, बैंक निफ्टी का जो चार्ट बना है उसमें क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा ये भी अपसाइड का टेल है, लेकिन इसका बॉडी थोड़ा सा बॉडी ज़्यादा है, बॉडी का पोर्शन ज़्यादा है, 70-30 बोल सकते हैं आप लोग, 70-30 का पोर्शन आप लोग, बॉडी 70-30 है, तो इसमें थोड़ा सा बुलिश प्रेशर ज़्यादा है। इधर इधर बैंक निफ्टी में बुलिश होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और ऐसा होता है कि कभी कभी निफ्टी बैंक निफ्टी को खींच के ऊपर लेता है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी कभी कभी निफ्टी का मतलब फोर्सेस ज़्यादा रहता है, तो ये इन दोनों का मतलब काम करता है, ये फोर्स इंटरमिटेंट फोर्स काम करता है। तो इधर देखिए इसमें जो इमीडिएट रजिस्ट्री है 20081 में ये क्लोजिंग दिया है, लगभग इस जगह में इसका क्लोजिंग हुआ है, उसका इमीडिएट रजिस्टेंस है। ये देखिए सब इंडिकेटर का ऊपर है कि ट्रेंड ऊपर है, क्योंकि इसमें देखिए इंडिकेटर का ऊपर है, रेजिस्टेंस का ऊपर चल रहा है, मतलब ये आप लोग देख सकते हैं पिवट पॉइंट, दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट का ऊपर है, R1 R2 का ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 20000 इसमें 20000 एक फिगर क्या है इसका, इसमें 20000 कितना ये लेवल कितना आ रहा है इसका
20138 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, उसके बाद 20217, उसके बाद 20297, उसके बाद 20287, इसके बाद 20350 पकड़िए, उसके बाद 20435, उसके बाद 20515, उसके बाद 20824 तक इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो इधर मैं 20950 इधर 24-25 हज़ार तक जा सकता है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। और इधर जो रेजिस्टेंस बना है, इसमें जो रेजिस्टेंस का कर्सर टिक जगह रखना पड़ता है, दिखाई देता है। एनीवे इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस तो इधर दिखा रहा है 20095 में, ठीक है। उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस आएगा 19852 का, पहले भी रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है 19980 का, उसके बाद 20900 के आसपास, 900 के आसपास, 912 के आसपास आएगा, उसके 19852, सॉरी 19852, उसके बाद 19828, उसके बाद 19781, 19684, 19614 तक ये इसका दिखाई दे रहा है फिलहाल। इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको टाइम खींच के टिक करना पड़ता है बीच बीच में थोड़ा सा, इसको टाइम खींच के थोड़ा सा बीच बीच में सेट करना पड़ता है। तो इधर देखिए लॉन्ग टर्म का जो देखना पड़ेगा, इसमें लॉन्ग टर्म का जो उसका भी ऐसा ही एजम्पशन है, निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही एजम्पशन है। इसका फिबोनाची वेगे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने गांव लेकर भी ड्रॉ करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है, रात भी हो चुका है, अभी भी लंच नहीं किया हूँ, तो इसीलिए मैंने देखता हूँ। तो इसमें हाँ ठीक निकल गया 16,116, एक्चुअली 16,116 इसका लेवल था, ये 20,747 और 21,524 इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बाद 23,194, 24,826, ये सब लेवल जो लोग मतलब लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहता है उन लोग को आप लोग कर सकते हैं। 19,147 के इसके बाद इसका नीचे आने का चांस है 16,116 के नीचे, उसके बाद जो लेवल है 12,270 इसका लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इसका जो है 10,740, उसके बाद 10,260, उसके बाद 7,334 इतना तक इसका आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। और ऊपर ये कितना दूर तक 27,000 या 28,000 तक ये ऊपर जा सकता है, सॉरी 26,000 है 1400 वही मतलब 27,000 तक ये जा सकता है ऊपर जाने का इसका पोटेंशियल है। आप लोग एक एक करके देखते रहिए, आप लोग को दिखाता है, ठीक ठीक है। मैं वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आप लोग को फायदा ही है, तो नहीं तो आप लोग को बीच में देख के आप लोग जो लोग नहीं देखना चाहते पूरा नहीं देखना चाहते हैं नहीं देखिए, जो लोग देखना चाहता है हाँ कुछ आप लोग को व्यू चाहता है तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। मैंने इसके बाद निफ्टी फी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी लेवल्स आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा। और
एनी ओए सब फीचर्स आप लोगों को फिलहाल जूम देने का कोशिश करता हूँ। इसमें भी मेरा चार्ट का सेटअप बना हुआ है, वो भी आप लोग को दिखाने का कोशिश। और सेट का वो भी एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल है। इसका क्लोजिंग भी थोड़ा सा इसमें बुलिश होके ऊपर गया है। इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इधर से आप लोग को दिखेगा, और इधर वो इधर जो लेवल्स है इसका, इधर एक्चुअली ये उसका इसका ऊपर जाएगा तो मतलब 9321 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 9384 तक। उसके बाद फिर से इसका अपर लेवल आएगा, और उसके बाद ये इसका जो रेजिस्टेंस है इसमें इधर एक्चुअली वीडियो का जो ये है इसका प्रॉब्लम कर रहा है। इसका जो हाँ इधर 9700, इधर पहले इसका 9000 कुछ 9600, इसके बाद 9700 का लेवल, उसके बाद 10000 का लेवल भी ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोग भी देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसमें लाके 10700, इसके बाद 10500 तक जा सकता है। और इसमें बैंक निफ्टी का जो देखता है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर इसका 20000 में तो ये क्लोजिंग दिया है। इसमें इसका 20279 के ऊपर इसका मूवमेंट आएगा, उसके बाद इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो नीचे है इसमें 20732 के नीचे इसका पॉइंट कंट्रोल रहता है 20757। उसके बाद ये नीचे नीचे लेवल के में आ सकता है, और इसके बाद अभी ये मतलब बाइंग जोन में ही है। इसका 2249 इसमें अभी फिलहाल 20500 तक जाने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है। और इसका जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस करूंगा ऑप्शन चेन में थोड़ा सा निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, पहले निफ्टी को देख लेता हूँ। निफ्टी का जो ऑप्शन चेन दिखाता है उसमें निफ्टी का 1.11 इसका पीछे रेसिव है, मतलब पहले से इसका बड़ा है। और इसमें लॉन्ग बिल्डअप वो है कॉल साइड में 9500 में,
कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लेकिन बस इसमें 150 इसमें शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, मतलब 9000 इसमें इसका 9550 तक इसका मतलब जाने का 9550 9600 का इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद 9650 से इसका मतलब रेजिस्टेंस बन का है। इधर फिलहाल 9500 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना है, और इधर पुट साइड में 9000 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, लेकिन इधर इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर ज़्यादा है। इधर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो साथ ना होता इंटरेस्ट जंजीन ओपन इंटरेस्ट जंजीन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इधर कॉल लॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है, ठीक है। और दोनों ही दोनों फोर्स ही दोनों का दोनों साइड से ही मतलब दोनों साइड से ऊपर जाने का फोर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इधर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है, और इधर देखिए अब नीचे सब लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। इधर कॉल पुट साइड में टोटल आपसे इन द मनी आउट ऑफ द मनी टोटल ये शॉर्टिंग हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इधर शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, पुट शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, तो बिग प्लेयर्स भी पुट शॉर्टिंग कर रहा है, तो इसमें अब प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। और इधर बैंक निफ्टी का जो दिखता है 1.03 पीसीआर रेशियो है 21000 में, इसका मैंने देखा था रेजिस्टेंस बना है, और इधर भी शॉर्टिंग का शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर 19000 में इसका शॉर्ट सपोर्ट है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप है, इधर भी सिनेरियो एक ही है, तो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी इधर ज़्यादा दिख रहा है। तो मैंने इस पर प्रोबेबिलिटी को एक बार दिखा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी को दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी देखिए इसमें मैंने करंट प्राइस बैठाया, कॉल बुलिन पर प्रोबेबिलिटी पुट पर बैठा, जो जितना और 3 दिन का एक्सपायरी डेट के लिए मैंने जो कैलकुलेशन करता हूँ, तो इसमें प्रोबेबिलिटी निफ्टी का प्रोबेबिलिटी भी हाई है, 9500 के जाने का परसेंटेज ज़्यादा है, और इधर भी बैंक निफ्टी का भी 21000 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है 3 दिन का हिसाब से। और इसके बाद मैंने आप लोग को 360 डिग्री एनालिसिस करके दिखाऊंगा। सॉरी, देखिए 360 एनालिसिस में इधर जो मतलब सबसे लॉन्ग मतलब हाई और लो दिया था, उसके बाद देखिए अभी इस लेवल पे चल रहा है, ठीक है, अभी इस लेवल पे चल रहा है। इधर 9388 में इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, 9390 में एक्चुअली, तो इसमें उसके बाद इसका 9482 में हो सकता है। आप लोग भी देख सकते हैं इस बात में ये नहीं चल रहा है, इस बात में चल रहा है। बैंक निफ्टी भी ऐसा ही है, 20000 का इसमें इस लेवल पे इसका सपोर्ट बनेगा, उसके बाद इस लेवल तक ये जा सकता है, उसके बाद फिर ये घूम के इस लेवल पे ये ऊपर जा सकता है। तो इसमें मतलब इस बात में पकड़ के चल रहा है, ना कि इस बात में चल रहा है, मतलब इस ये है, ये दोनों लेवल्स है नीचे जाने का, और ये दोनों है अप जाने का, ठीक है। एनीवे उसके बाद मैंने आप लोग को हॉन्डे का हिसाब से भी मतलब 360 एनालिसिस कर आप लोग को दिखाऊंगा। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बाय सेल लेवल में बहुत सारा बाय सेल लेवल्स आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल जो लेवल्स दिखाता है वो आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए इधर 9365 इसका से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, ठीक है, और इधर 9259 का नीचे इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, लेकिन इधर थोड़ा सा फिर हो सकता है, पहले ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन या गैप अप ओपन भी हो सकता है, लेकिन जो मार्केट में जो दिखाया है लास्ट क्लोजिंग में, तो थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा इसका देखिए इसका मतलब जिधर क्लोजिंग दिया था 20081 इसका नज़दीक रहता है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी भी ऊपर ओपन होगा, ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो इधर इसका मतलब बाई का लेवल देखिए नज़दीक है, और इधर सेल का लेवल बहुत ही नीचे है बैंक निफ्टी का, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पता चलता है कि ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है।
ये लेवल्स आप लोग को, ये फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल का लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है किसमें ये हो सकता है। और इसके बाद जो लेवल्स मैंने दिखाऊंगा उसमें भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कुछ लेवल्स आप लोग को दिखा देता हूँ, तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा। मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, ये लेवल्स भी आप लोग नोट कर सकता है, ये भी अच्छा लेवल्स है। और इधर देखिए एवरेज टू रेंज के ऊपर बना है, ये फिबोनाची का लेवल्स, ठीक है। आप लोग बैंक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स नोट कर सकता है, ठीक है। ये टू रेंज के ऊपर बना है, टू रेंज वन, और ATR 14 जो पीरियड, एक्चुअल जो ATR 14 का पीरियड है उसके लेवल पकड़ के इसका बना है। इसके वजह से लेवल्स भी आप लोग देख सकता है। इसमें आप लोग को मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहता है इसमें आप लोग को काम में आ जाएगा। इसमें गन लेवल्स भी है और इसमें गन एंगल्स डिग्रीज भी है, टू रेंज और बेस्ट ऑन ATR 14। इसके बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट लेवल्स है 7 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 13 डेज का हिसाब से। और ये जो इंडिया विक्स का जो है, इंडिया विक्स का हिसाब से इसका मंथली मूवमेंट जो हो सकता है इतना पॉइंट, इतना इसका मंथली मूवमेंट हो सकता है। ये लेवल पकड़ के ये ऊपर जब बॉटम आउट होगा तो अभी इसका जो मतलब ये 9387 मतलब से घुमा फिरा के आप लोग देखिए 9390 का लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स आता है। उसके बाद इसका थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखेगा। आज थोड़ा सा 9377 नज़दीक चला गया था लेकिन वो 9390 का लेवल क्रॉस नहीं हो पाया। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए यही है। तो फिर से वाइस लेवल दिखाऊंगा और उसके बाद कल लाइव डेमो फिर से आप लोग को दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।